दोस्तों, सीखो कमाओ योजना के बारे में आज हम बता रहे हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है आपको, इसके लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे लिखेंगे सीखो कमाओ योजना, सबसे पहली लिंक जो आती है उसी पे क्लिक कर दें। इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आप देखें अभ्यर्थी पंजीयन लिखा हुआ है, ये लिखा है अभ्यर्थी पंजीयन, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज जो खुलेगा ये आ गया। इस अगले पेज में आप देख रहे हो पंजीयन के लिए क्या आवश्यक निर्देश हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो यहाँ लिखे हैं। इसका एक अलग वीडियो भी हमने बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। उसमें इसको डिटेल में बताया है कि क्या ज़रूरी होता है, निर्देश क्या हैं इसके। इसको सिंपल यहाँ पर क्लिक करें, एक्सेप्ट करें और ओके करके आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ आपको अपनी समग्र आईडी देना है। समग्र आईडी देंगे, यहाँ कैप्चा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो यहाँ इस तरह से रिफ्रेश करेंगे तो कैप्चा आ जाएगा। कैप्चा कोड यहाँ डाल दें, सत्यापित करें पे क्लिक कर दें। दोस्तों, इस समय में सर्वर काफ़ी बिजी है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और इस प्रोसेस को आपको 3-4 बार दोहराना भी पड़ सकता है या ज़्यादा भी दोहराना पड़ेगा। ये देखिए फेल हो रहा है। अगेन आप इसको क्लिक करें, नया कैप्चा कोड डालें और सत्यापित करें पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन भी कर लीजिए। इसी तरीके की आगे भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए यहाँ पे अलर्ट आ गया है, अलर्ट में आपको समग्र सेवा प्रतिक्रिया नहीं दे रही, मतलब समग्र का जो पोर्टल है वो यहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगेन क्लिक करें। ये इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोड है इस समय में। ठीक है, ये देखिए आ गया आपके पास में, पंजीकृत मोबाइल पे SMS भेजा गया है, भेज रहे हैं। SMS के माध्यम से चाहिए या WhatsApp के माध्यम से चाहिए OTP, वो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। सिंपल SMS के माध्यम से कर दीजिए, WhatsApp में यदि टाइम लग रहा हो तो। SMS के माध्यम से और OTP भेजें पे क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए अगेन मैसेज आ गया आपके सामने कि OTP भेज दिया गया। अब आपको अपना OTP यहाँ देना है। OTP आने में टाइम लग रहा है, OTP आ गया, OTP आपने यहाँ लिख दिया है और इस तरीके से क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। सत्यापित हुआ, अब ये पेज खुल गया आपके सामने। इसमें तमाम डिटेल्स आ जाती हैं आपकी, जो समग्र आईडी में ऑलरेडी हैं वो सब यहाँ आपको मिल जाती है। यहाँ पे यदि आपको कोई अलग नंबर देना है तो इस पहले बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और समग्र में जो पंजीकृत मोबाइल है उसी पे व्हाट्सएप में आपको मैसेज चाहिए रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड, तो सेकंड बॉक्स पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे दें। ईमेल आईडी लिखेंगे, देन
ओटीपी भेजें पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका ईमेल आईडी जो आपने यहाँ दिया है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को अब यहाँ पे एंटर ईमेल ओटीपी में ओटीपी एंटर करके और सत्यापित करें पे क्लिक करना रहेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले से आपके पास में स्कैन होने चाहिए और सभी 500 KB से कम में आप स्कैन करेंगे। सारी मार्कशीट जो भी यहाँ आपको लगानी है, 10th 12th ग्रेजुएशन, 12th से स्टार्टिंग है 12th और ग्रेजुएशन पीजी किया है, पीजी के लिए नहीं है ऑप्शन, तो सिंपल 12th और ग्रेजुएशन का ऑप्शन है वो लिखें। अब ये ओटीपी सत्यापित हो गया हमारा ईमेल आईडी का। नीचे तीनों बॉक्स दिए गए हैं, तीनों को ही आपको क्लिक करना है। और सबमिट कर देंगे, सबमिट करेंगे, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। फॉर्म सबमिट नहीं हुआ अभी आपका, सीखो कमाओ रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन में आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड उन्होंने क्रिएट करके आपके पास में एसएमएस में भेज दिया है, व्हाट्सएप पे भेज दिया है। और व्हाट्सएप
हाँ,